लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में 21 फरवरी को बोरे में हाथ पैर बंधे मोनिका पाल के शव मामले में एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन आक्रोशित हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय धनगर महासभा के बैनर तले ग्रामीण परिजनों संघ जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पहुंचे आक्रोशित लोगों की खबर मिलते ही कचहरी चौकी प्रभारी सौरभ पांडे ने उन्हें रोका। खबर मिलते ही एसीपी कैंट और प्रभारी निरीक्षक कैंट ने समझाने की कोशिश की। परिजन लगातार कपसेटी पुलिस पर हिला हवाली का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। एसीपी ने किसी तरह आक्रोशित जनता को समझाया। पुलिस कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। क्या घटना थी और आप लोग कहाँ आ जाए थी? हम लोग सब आए कचहरी को मांगने। बेटी का न्याय नहीं मिला तो हम उसको न्याय मांगने। क्या हुआ था उसको? बेटी के हम देखे ना, हमारी बेटी तो खाली निकली है बाहर बाजार करने। हर चीज हमारे घर में आदमी नहीं रहते हैं, खाली हमारी बेटी रहती है, हम भी रहते हैं। क्या घटना हुई है उनके साथ? अब घटना उसको हम देखे कि हमारी लड़की आज तक मिलबे ना करते, हम घटना कौन बताए? उनकी बॉडी कहीं मिली है ना? नहीं, बॉडी मिली है, मरु बॉडी। उसको मार के जैसे कि बांध के रस्सी से तेजाब वेजाब डाल के गोनी बांध के सी के सब लोग जैसे कि ट्रेन के डिब्बा में रखे थे, वहाँ से पार्सल आता मिला है लाश वहाँ से। फिर उसको खोला गया तो देखा गया तो उसको रस्सी से बांधा हुआ था, तेजाब और डाला दिया। अच्छा, पहचान किसे हुआ था? पहचान हम लोग पहचान लिए ना, कपड़ा से चेहरा, थोड़ा चेहरा नहीं मगर पूरी बदन से हम लोग पहचान लिए। कितने दिन हो गया घटना हुए? घटना हुई आज 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं पकड़ा? मीडिया लोग भी उल्टा पुल्टा भी पेपर में भी छाप रहे हैं गलत। किस पर हम शक बताएं जब किसी को हम जानते ही नहीं? बात करती थी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं सर मिला है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, घर में छानबीन कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पहुँची हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? हम लोग अब हमारे जा रहे हैं। धनगर माधव आगरा का रहने वाला। आज की घटना को लेकर आप लोग यहाँ पे ये इसलिए आया था, मैं कल ही आ गया था और कल कम से कम मैं 15-20 गाड़ियाँ लेके इनके गाँव गया था जहाँ घटना घटित हुई थी। और वो लोग बड़े सीधे साधे गरीब लोग हैं। मैं गया, हमने सांत्वना दी और जबकि मैंने कल इनके सीपी महोदय से जैन साहब से फोन पर बात की तो कोई बात नहीं कराई। परसों भी की, कल भी की, नहीं कराई। मैं कहा कल काम ने चैलेंज किया कि हम कल आ रहे हैं और आज हम कहकर आए हैं, क्योंकि यहाँ हमें ये जो पुलिस से हमें कोई इसमें न्याय की उम्मीद नहीं थी। जब इंस्पेक्टर जब जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो, जो FIR दर्ज करने में लेट लतीफी कर रहा हो और आज भी 10 दिन के लगभग हो गया, आज तक एक भी हत्यारा नहीं लिया और न साइकिल बरामद की, न कोई ज्यादा चहल पहल है। तो आज हमने इस पुलिस पर दबाव बनाया है और पुलिस प्रशासन मोटा आवाज और एक पुलिस की गुंडे ही नहीं चलेगी, ये सारे आज नारे लगाए, आप देख भी रहे थे। तो हमने अब कहा भी था, हमने जैन साहब से उनकी पुलिस मेरे जैन साहब ये पुलिस की निष्क्रियता है, इसको निलंबित करिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, नहीं तो ऐसे ही होगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का क्षेत्र है, जब इतने जघन्य अपराध होंगे और 10-10 दिन में अगर अभियुक्त नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर ये जिला कैसे चलेगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र पकड़ेंगे। मैं मॉनिटरिंग, मैंने कहा अब तक कहाँ थे, अब तक मॉनिटरिंग क्यों नहीं की थी? आज हो रही जब दबाव बनाए तब आप मॉनिटरिंग करते हो, तो ये आज पुलिस प्रशासन की तो यहाँ घोर लापरवाही, चाहे वो जैन साहब हो, चाहे CP हो, चाहे DCP हो, पूरा जिला निष्क्रिय टाइप का है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ ऐसा निष्क्रिय यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाल दिया, ये तो सभी निष्क्रिय लोग हैं, चाहे जैन साहब तक निष्क्रिय हैं, क्योंकि अब तक इतने दिन में नहीं किया। जैन साहब ने क्या किया, आप क्या देख रहे थे? आपने देखा एक निशंस लड़की की हत्या हुई और वो आज तक 10 दिन में बराबर नहीं हुई। तो ये तो मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जाऊंगा, अगर नहीं सुना गया तो 6 तारीख को आपको कह के जा रहा हूँ कि यहाँ जाम करेंगे और इसके बाद नहीं किया तो पूरे 8 तारीख को पूरा प्रदेश का जाम करेंगे। थे ज्ञापन देने के लिए, क्या है पूरा प्रकरण? ये लोग कपसेटी क्षेत्र से आए थे। कपसेटी में पिछले हफ्ते एक गंभीर घटना हुई थी जिसमें मोनिका पाल नाम की बच्ची की लाश
रेलवे के ट्रेन के डिब्बे में मिली थी। बाद में वो घटना उस गुमशुदा बच्ची से कनेक्ट हुई और फिर मुकदमे को तरमीम किया गया। ये बॉडी जो लखनऊ से ट्रेन आती है उसमें मिली थी और उसको बांधा हुआ था और उसका फिर पोस्टमार्टम करवाया गया। घर वालों ने पहचान की, पहचान के आधार पर कब सिटी में जो गुमशुदगी दर्ज थी उसको तरमीम किया गया। उसकी विवेचना अभी चल रही है और जो उसमें अभियुक्त है उनके बारे में जानकारी करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें हमारी एसओजी टीम भी डे वन से कार्यरत है और थाने की टीम भी कार्यरत है और उस क्षेत्र के जो अधिकारी है वो प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में परिवार के लोग और उनके साथ समाज के लोग आए थे और उनकी जो चिंताएं थी उससे उन्होंने मुझे अवगत कराया है और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस केस को हम एकदम निष्पक्ष रूप से विवेचना करके तथ्यों को आपके सामने। परिजन का सर आरोप है कि 9 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। वहीं अगर बात करें तो जो एसओ हैं उन पर भी जो है लापरवाही का आरोप लगाया कि हमने पहले घटना की जानकारी दी थी लेकिन अभी तक वो उसको जो है ना उन्होंने दर्ज नहीं किया। जी, उन्होंने अपनी बात रखी है और उसके संबंध में भी मैं समीक्षा करूँगा। ये सत्य है कि 8-9 दिन घटना को हो चुके हैं लेकिन अभी कोई, चूँकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बच्ची घर से गई थी साइकिल पे और बॉडी रेलवे कंपार्टमेंट में मिली है तो घटना के तार हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। तो जल्दी से मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ आपके सामने आएगी और यदि किसी स्तर पर कोई लापरवाही हो तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है।